दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि सॉलिड स्टेट हम लोगों का लगभग अप्रॉक्सिमेटली क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, उसमें एक टॉपिक रह गया है आपका, दैट इज मैग्नेटो केमिस्ट्री। मुझे याद है पूरी तरीके से, मैंने लास्ट वीडियो में शायद मेंशन भी किया था कि मैग्नेटो को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर मैं आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला कैसे जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की टेक्निक्स भी सिखाने वाला हूं। ठीक है, जिससे आप केवल एकेडमिक पर्पस पे ही ना पढ़ो, साथ साथ अनएकेडमिक लेवल पर भी आप जाते रहो, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट को आपने बेसिकली फर्स्ट ईयर में सीखा होता है, बट हां उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की टेक्निक्स, थोड़ी सी ट्रिक्स मैं आपको दूंगा मैग्नेटो के साथ में। तो सॉलिड, क्योंकि सीबीएसई के बच्चों में सॉलिड स्टेट क्योंकि हट चुका था, इसलिए उनकी बहुत दिन से रिक्वेस्ट थी कि सर जल्दी से क्या करिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, तो हम लोग भी आपके साथ में क्या करें, जुड़ जाएं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। और इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया बोर्ड पे, वेलकम टू यूपी एंड सीबीएसई बोथ द बोर्ड्स। हम लोगों को दोनों बोर्ड्स के क्वेश्चन जो आगे के चैप्टर है, सॉल्यूशन से लेकर के आगे का पूरा कोर्स, वो पूरा का पूरा यूपी के लिए और सीबीएसई के लिए अब सेम हो चुका है। ठीक है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, केवल सॉलिड स्टेट यूपी में है और आपका सीबीएसई में फिलहाल लास्ट ईयर तक नहीं था। अब अगर कुछ आगे चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे होते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस शुरू करते हैं अपना टॉपिक फटाफट। और वो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है सॉल्यूशन। क्लियर जरा सा? हाँ ठीक है, ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो भाई, तो मैं बेसिक से उठाता हूँ कि सोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, जब आप नाइन्थ या हाई स्कूल में थे या फर्स्ट ईयर में थे, जब भी आपने नाइन्थ में बेसिकली एक चीज पढ़ी होगी, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा है तो आपने नाइन्थ में ही पढ़ा होगा कि कंपाउंड मिक्सचर और जो आपका एलिमेंट होता था उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल लोअर लेवल से, और इसको ले चलूंगा मैं उस लेवल तक जहां तक आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए आप कि अगर आपको पढ़ना है सॉल्यूशंस बेसिकली होते क्या है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी आपको पहले से आती है, बस मुझे आपको याद दिलाना है। और वो याद क्या दिलाना है कि हम लोगों ने मैटर को पढ़ रखा था तीन तरीके से। पहला क्या होता था आपका, एलिमेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता था आपका, सबको पता है भाई, कंपाउंड। और लास्ट वन कौन सा आता था आपका, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर टू और मोर कंपाउंड मिला दिए जाते हैं विदाउट एनी रेशियो, बिना किसी रेशियो के क्या कर दिया जाता है, उन्हें आपस में इंटरमिक्स कर दिया जाता है, और जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जो सॉल्यूशन होता था बच्चों, दो तरीके का होता था। पहला होता था आपका होमोजीनियस, और दूसरा क्या होता था आपका, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है और होमो का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखा है कि ये होमो और ये हेट्रो, ये दोनों ही लैटिन वर्ड हैं, और होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब होता था कि कंपोजिशन इज सेम, कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम, यानी कि जो कंपोजिशन है आपके सॉल्यूशन का वो आपका क्या होगा, हर जगह पर एक जैसा होगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कंपोजिशन एक जैसा होने से, कहने का मतलब ये है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को बनाने के बाद में उस सॉल्यूशन का आप कोई भी पार्ट उठा लो जाकर के, ध्यान से सुनना बात को मेरी। ठीक है, उस सॉल्यूशन का आप कोई भी पार्ट उठा लो जाकर के, जितनी कंसंट्रेशन ओवरऑल सॉल्यूशन में निकलेगी उतनी ही उस छोटे से पार्ट में निकल आएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं किसका, एयर का। हम लोगों को पता है कि जो एयर होती है उसमें 78% हमारी क्या होती है, N2 होती है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.003% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.001% आपकी ऑर्गन होती है। तो जिस कमरे में बैठ करके आप इस समय पढ़ रहे हो मुझसे, उसी कमरे के आप किसी भी पार्ट का एयर निकाल दो, अगर वो प्योर एयर है तो वहां पर 78% नाइट्रोजन और 21% आपको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, और चाहे आप पूरे कमरे की एयर को चेक करो, वहां पर भी 78% मिलेगी आपको नाइट्रोजन और 21% आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। चाहे आप पूरे एटमॉस्फेयर को कैलकुलेट कर लो जाकर के, वहां पर भी आपको 78% नाइट्रोजन मिलेगी और 21% आपको क्या मिलेगा, 21% आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो जो एयर है ये डिफरेंट गैसेस का कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से कि होमोजीनियस क्या होता है। अब बात करते हैं कि हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं, सैंड प्लस वाटर। ठीक है, सैंड पार्टिकल ला, उन्हें किसमें मिला दिया, वाटर में मिला दिया। तो जब तक हम उसे सेक करेंगे, सेक करने के बाद अगर उसे रख दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद जो सैंड पार्टिकल होंगे वो सेडिमेंटाइज होकर के जो भी आपका बीकर होगा उसके किसमें, बॉटम में बैठ जाएंगे। तो नीचे नीचे सैंड पार्टिकल होंगे, ऊपर ऊपर आपका क्या होगा, ऊपर ऊपर आपका वाटर होगा। दैट मीन्स होगा तो वो मिक्सचर, बट कंसेंट्रेशन अपर पार्ट में कम होगी और लोअर पार्ट में ज्यादा होगी, तो वो कैसा मिक्सचर होगा आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली सॉल्यूशंस होते क्या है। तो सॉल्यूशन होते हैं आपके क्या, कोई भी दुनिया का हेट्रो होमोजीनियस मिक्सचर जो है, कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर उसे आप सॉल्यूशन कह सकते हो।
जब टर्म आता है सोल्यूशन, तो दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर जाती है कि ये लिक्विड स्टेट में होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। जितने होमोजीनियस मिक्सचर आपके दुनिया में है, दे ऑल आर सोल्यूशन। बस लिक्विड स्टेट क्यों स्ट्राइक करती है दिमाग में, क्योंकि अगर आप मुझसे जुड़े रहे हो तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको पढ़नी होती है गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट का थोड़ा सा पार्ट, और जब आप इंटरमीडिएट में आते हो तो आपको पढ़ना होता है लिक्विड स्टेट पूरा और सॉलिड स्टेट पूरा, जिसमें से सॉलिड स्टेट हम लोगों ने कैलकुलेट पूरी तरीके से कवर कर ली। और अब हम लोग किस पर पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपनी लिक्विड स्टेट पर। इसलिए हम लोग जितना पढ़ेंगे वो लिक्विड ही होगा, ठीक है, बट हमें पता सब कुछ होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतनी बात इतनी देर में पता चली कि होमोजेनियस मिक्सचर जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके सॉल्यूशन हैं। और अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन को सबसे पहले नंबर पे क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन दो टर्म नए आ गए कि व्हाट इज योर सॉल्यूट एंड व्हाट इज योर सॉल्वेंट। लंबा लेक्चर होगा, बड़ा लेक्चर होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो बेसिक चीजें मैं सारी आज क्लियर करूंगा, जिससे जब नेक्स्ट लेक्चर आपके पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर आए, तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। और पूरी तरीके से एक एक टॉपिक को मैं खत्म करूंगा, इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, कोई भी सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैं स्प्लिट कर जाऊं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो सोल्यूशन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, और वो दो पार्ट क्या होते हैं, पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट के तो नाम से ही पता चल जाता है, जिसमें मिलाया जाए, और सॉल्यूट का मतलब है जिसको मिलाया जाए, ठीक है। तो जिसमें मिलाया जाए वो सॉल्वेंट है, जिसको मिलाया जाए वो सॉल्यूट है, यानी कि टू बी डिसॉल्व्ड इज सॉल्यूट एंड इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज योर सॉल्वेंट। याद करने का तरीका, ज्यादातर चीजें किसमें घोलते हो, पानी में डिसॉल्व करते हो, तो योर H2O वाटर इज योर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे दो मिनट के बाद, तीन मिनट हो जाने दो, सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्लियर कर लो, उसके बाद में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि H2O क्यों यूनिवर्सल होता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक सॉल्वेंट लाते हैं और उसमें कोई सॉल्यूट ला करके इंटरमिक्स कर देते हैं, तो जो चीज जो पूरा का पूरा तैयार होता है सिस्टम, उस सिस्टम को आप क्या कहोगे कि वो सिस्टम एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि आप बेसिकली कह सकते हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला दिया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा बच्चों सोल्यूशन। इतनी बात तो क्लियर होती है। अब यहां पर ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाया तो सोल्यूशन मिला। बेसिकली इस प्लस का मतलब क्या है कि मास ऑफ दिस सॉल्यूट, लगाओ बड़ों वाले बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूशन। यानी कि सॉल्वेंट का मास सॉल्यूट का मास अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें किसका मास मिल जाएगा, सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। और ये चीज किस पर और ज्यादा वो करती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई करती है आपके लिए, ठीक है। तो इतनी बात तो हो गई कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। अब बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो कहता है कि विच वन इज लेस इन क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट एंड विच वन इज मोर इन क्वांटिटी इज नोन एज योर सॉल्वेंट। जो ज्यादा है क्वांटिटी में उसे आप सॉल्वेंट कहोगे, जो कम है क्वांटिटी में उसे आप सॉल्यूट कहोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करते हो, आप एक स्पून एक चम्मच में क्या ले लेते हो, एक चम्मच में आप नमक ले लेते हो, और इस एक चम्मच नमक को आप किसमें डिसॉल्व करते हो, एक ग्लास वाटर में डिसॉल्व कर देते हो जाकर के, ठीक है, पूरा फुल ऑफ वाटर ग्लास है आपका, उसमें मिक्स करते हो, तो जो आपका वाटर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो आपका वो होगा नमक होगा यानी कि NaCl होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लियर दिखाई देता है हमें कि जो चीज कम है वो हमारी सॉल्यूट है, जो चीज ज्यादा है क्वांटिटी में वो हमारी सॉल्वेंट है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब दोनों ही कितने हो, जब दोनों ही कितने हो 50% के हो, तो 50% 50% में आपको कहीं पर भी मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना है। जो लिक्विड है 100% या वो ही क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, और जो सॉलिड है वो क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा, ठीक है। बाई मास देख रहे हैं, बाई वॉल्यूम नहीं देखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी बात क्या आती है कि अगर आपके दोनों लिक्विड है, ठीक, बाई चांस दोनों लिक्विड है, तो जो पोलर होगा, ठीक है, जिसके अंदर पोलैरिटी होगी वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट के जैसा यूज किया जाएगा, और जो नॉन पोलर होगा यानी कि ऑर्गेनिक स्पीसीज होगी उसे आप क्या कहोगे कि वो आपका सॉल्वेंट था। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें किसको, एल्कोहल और वाटर को, मान लो C2H5OH एथाइल एल्कोहल, जनरल यूज में ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करने वाली जो आपकी एल्कोहल होती है वो, और अगर उसे आप किसमें मिलाते हो, H2O में मिलाते हो, ठीक है, तो पहली बात तो 50% का सोल्यूशन नहीं बनाया जाता, 50% कंसेंट्रेटेड की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, काफी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी। आजकल सैनिटाइजर आपका जो चल रहा है उसमें कितने परसेंट होता है, 60% ऑफ एल्कोहल यूज किया जाता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम रख रहे हैं, 50% ये और 50%
ये क्लियर हो गई बात। तो यहां पर देखो, अब ये एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है और ये एक पोलर सॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए ये यूनिवर्सल है, क्योंकि पहली बात तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैटेगरी रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और दूसरी बात क्या होता है आपके पास में, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, OH लगा हुआ है। तो यहां पर H2O को हम क्या कहेंगे कि दिस इज योर सॉल्वेंट एंड C2H5OH इज योर सॉल्यूट, जबकि दोनों ही क्वांटिटी में बराबर थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि ऑर्गेनिक स्पीसीज पोलर नहीं होती, जबकि आपका पानी क्या था, पानी आपका पोलर था, ठीक है, और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता था। इसलिए सॉल्वेंट किसे माना जाएगा, वाटर को, और सॉल्यूट किसे माना जाएगा, अल्कोहल को। क्लियर हो गई बात सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे हमें पढ़ना क्या है कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया इन सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो भाई सॉल्यूट पता, सॉल्वेंट पता, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या पता, तो मिलता है हमें सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई देखते हैं कि कितने तरीके के सॉल्यूशन बेसिकली पाए जाते हैं, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन पाए जाते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्वेंट जिसमें मिलाना है, दूसरे यहां पर लिख रहा हूं मैं सॉल्यूट जिसको मिलाना है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन क्या बनता है एग्जांपल में, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो आप सॉल्वेंट किसको यूज करो, मान लेते हैं सॉलिड लिया कोई, ठीक है, तीन बार सॉलिड ले लिया, ठीक है, क्यों ले रहा हूं तीन बार भी बताता हूं। उसके बाद में लिया लिक्विड, तीन बार लिक्विड ले लिया, और उसके बाद लिया गैस और तीन बार गैस ले ली, ठीक है। क्यों लिया ऐसा, क्योंकि हमने सॉल्वेंट कंसिडर किया है सॉलिड, और सॉल्यूट भी हम क्या लेंगे, सॉल्यूट भी लेंगे सॉलिड, ठीक है। इस बार हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो तो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूट होगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, गैस। ऐसे ही लिक्विड के साथ में कौन, सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड के साथ में कौन, लिक्विड, उसके बाद लिक्विड के साथ में कौन, गैस, फिर गैस के साथ में सॉलिड, उसके बाद गैस के साथ में लिक्विड, और लास्ट में गैस के साथ में गैस, ठीक। अब शुरू करते हैं तो कितने बने, देखो 9 बन गए, 3x3 की मैट्रिक्स थी, 9 बने हमारे पास में, ठीक है। तो सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है, यानी कि सॉलिड को मिलाया गया किसमें, सॉलिड में। क्या एग्जांपल हो सकता है, एलॉय, एलॉय का मतलब मेटल या नॉन मेटल को आपस में क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, और मिक्स करने के बाद में एक नई कैटेगरी के मेटल तैयार की जाए जिसकी प्रॉपर्टी नॉर्मल मेटल से क्या हो, या प्योर मेटल से क्या हो, अच्छी हो, ठीक है। जैसे आपका क्या, स्टील, ठीक है, ये आपका एलॉय है जिसके सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं अपने पास में। तो क्या होगी, जितनी भी एलॉय दुनिया की पाई जाएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी सॉलिड बाई सॉलिड का सॉल्यूशन होगी। अब देखो दिमाग लगाना है मेरे साथ साथ, जितनी बार मैं बोलूं सॉल्यूट, जितनी बार मैं बोलूं सॉल्वेंट, उतनी बार आपको अपने आप दिमाग में सोचना है कि आप यहां पर क्या लिखोगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, देखो सॉल्वेंट है हमारा सॉलिड, यानी कि मिलाना हमें सॉलिड पे है, और किसको मिलाना है, लिक्विड को मिलाना है, ठीक है। और मैंने पहले कह रखा है कि सॉल्यूशन है, इसका मतलब होमोजीनियस तो 100% होना चाहिए, तो इसको कह सकते हो एडसॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, ठीक है। अब इसको, ये तो बहुत बड़ा वर्ड आ गया, हाँ डर गए, एडसॉर्प्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है, तो एडसॉर्प्शन ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरीके से सरफेस केमिस्ट्री में, जो आपका चैप्टर नंबर होगा कौन सा, 5, चैप्टर नंबर 5th होगा आपका, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे इसको पूरी डिटेल में। लेकिन फिर भी समझ लो कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन होता है कि किसी भी सरफेस पर, केवल सरफेस पे एड्सॉर्ब होना। जैसे मान लो एक फोम लो और फोम को पानी में डुबा दो, तो जो पानी होगा ना वो पूरी फोम के अंदर चला जाएगा, ठीक है, ओवरऑल घुस जाएगा पूरे के अंदर। लेकिन अगर मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं तो इस बोर्ड के क्या अंदर ही चली जा रही है, अंदर नहीं जा रही है, केवल किस पर है, सरफेस पे, ठीक है। तो केवल सरफेस का मतलब ये एड्सॉर्ब हो रही है, ना कि एब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो जो आपके पास में एब्सॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन होता है वो किसके होते हैं, वो एग्जांपल होते हैं आपके सॉलिड बाई लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन के। अब तीसरी आती कि सॉल्वेंट तो सॉलिड है, मिलाना हमें सॉलिड में, और किसको मिलाना है, गैस को मिलाना है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यहां पर लिख सकते हो आप H2 ऑन PD और PT, हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम एंड प्लेटिनम। और अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो फिर आपको याद आएगा कि PD एंड PT आर द रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां पर भी कॉन्सेप्ट आएगा एडसॉर्प्शन का ही। जो H2 गैस होती है ये पैलेडियम और प्लेटिनम के सरफेस पे आकर चिपक जाती है, ठीक, और सरफेस पर इक्वली चिपक जाती है। तो जब इक्वली एडसॉर्ब हो जाती है, चिपक जाती है सरफेस पे, मैंने बोला सरफेस पे चिपक जाती है, केमिस्ट्री में बोलो तो क्या बोलोगे, एडसॉर्ब हो जाती है। और एडसॉर्ब अगर हो जाती है तो ये गैस है और ये दोनों क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड में किसको मिलाया गया, गैस को मिलाया गया। अब आते हैं कहां पर, लिक्विड के सॉल्यूशन में। तो लिक्विड में मिलाया गया सॉलिड को, ये बच्चों वाला है लिखूंगा नहीं, सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉलिड लाते हो लिक्विड में मिलाते हो। अगला है हमारे पास लिक्विड बाय लिक्विड का, लिखूंगा नहीं, अल्कोहल और किसका भी डिस्कस किया हम लोगों ने, अल्कोहल और वाटर का। उसके बाद आता है लिक्विड में मिली हुई गैस, इसको डिस्कस कर लेते हैं, लिख देता हूं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है,
कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हो तो CO2 गैस निकलती है, तो सोडा वाटर में क्या एक्सेस में मिली होती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और आपकी क्या होती है उसके अंदर गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर मिक्सअप होती है, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हो, जो आपका एक्वेरियम का एग्जांपल होता है, बहुत बड़े एक्वेरियम में आप लोग देखते हो कि नीचे से बबलिंग होती रहती है एयर की, ठीक है, तो वहां पर लिक्विड में क्या मिलाई जा रही होती है, गैस मिलाई जा रही होती है, ऑक्सीजन गैस लिक्विड में मिलाई जा रही होती है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि गैस में देखें अगर हम लोग, तो गैस में हमें क्या मिलेंगे, तो पहली बात तो गैस में किसको मिलाना है, सॉलिड को, गैस में किसको मिलाना है, सॉलिड को, सोचा करो यार साथ में, गैस में किसको मिलाना है, सॉलिड को मिलाना है, बताओ क्या हो सकता है एग्जांपल, अगर आता हो तो कमेंट करा करो तुरंत नीचे, वीडियो को पॉज करके खुद कमेंट किया करो, ठीक है, सीखो साथ साथ। तो अगर हम लोगों को गैस में क्या मिलाना है, सॉलिड, सबसे पहली बात कार्बन पार्टिकल इन एटमोसफेयर या डस्ट पार्टिकल इन एटमोसफेयर, बस हो गया। अब अगर हमें मिलाना है गैस में लिक्विड, ध्यान से देखो, गैस में लिक्विड फॉग, ठीक है, जो आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर आर द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड बाय गैस बाय लिक्विड, और गैस बाय गैस को तो कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत है बच्चों, क्या होगा एयर अभी डिस्कस कर रहे थे यार, इसलिए नहीं पढ़ने की जरूरत है क्योंकि शुरुआत में देख लिया, एयर में हमारी क्या होती है कई सारी गैसेस आपस में मिक्सअप होती है, तो बेसिकली ये 9 टाइप के सोल्यूशन आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें से हम लोगों को 12th क्लास में बच्चों किसको डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है लिक्विड बाय लिक्विड सोल्यूशन को, और इसको हम लोगों को 100% डेप्थ में पढ़ना है, क्या होता है, कब होता है, और कहीं कहीं पढ़ना होगा लिक्विड बाई सॉलिड को भी, ठीक है, कि लिक्विड में सॉलिड मिलाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं तो क्या होता है, बट बेसिकली जो ओवरऑल स्टेट हमें सॉल्यूशन की पढ़नी होगी वो हमें लिक्विड की ही पढ़नी होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कितने मिनट हो गए अभी, अभी तो 16 मिनट 17 मिनट हुए हैं केवल, ठीक है, चलो कुछ चीजों को और क्लियर करेंगे, कम से कम 30 मिनट तो लेंगे इंट्रोडक्शन। अब अगली चीज जो आती है वो आता है, ये तो हुआ बेसिकली कि स्टेट्स अगर हम देखें कि हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट पे, जैसा सॉल्वेंट वैसी स्टेट रह जाती है, ये मानी यानी कि अगर आपने क्या लिया सॉल्वेंट, आपने लिक्विड लिया तो ओवरऑल आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड बनेगा, जैसे आपने हाइड्रोजन गैस ली पैलेडियम पे एब्जॉर्ब करा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ली पैलेडियम या प्लेटिनम पे क्या करा दी एब्जॉर्ब करा दी, तो पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम होगा वो गैसियस नहीं हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल जो स्टेट मिलेगी वो आपको सॉलिड मिलेगी, यानी कि जो स्टेट ऑफ, नोट करो साथ में, नोट करो कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, जैसा सॉल्वेंट होगा वैसी स्टेट आपको उस चीज की मिल जाएगी, उस सॉल्यूशन की मिल जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे अब हमें आगे जो पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, DILE लिखता हूं मैं इसे हमेशा, सब लोग मेरे शॉर्टकट से पूरी तरीके से वाकिफ हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे कि सर ने क्या लिख दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा क्या होता है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होते हैं, इसके बाद में हम लोग चलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स पे, और उसके बाद में हमारा रियल चैप्टर जो होगा जहां से हमें ताकत लगा के पढ़ाई करनी होगी वो शुरू होगा, ठीक है। तो बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कि व्हेन, साथ साथ लिखते रहो नोट्स बनाते रहो, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज मच लेसर देन योर सॉल्वेंट, ठीक है, जब आपका सॉल्यूट जो हो उसकी क्वांटिटी सॉल्वेंट से काफी ज्यादा कम हो, काफी ज्यादा कम ना होगा, तब आप क्या कहोगे उसे कि आपका जो सॉल्यूशन है ना वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब उसमें जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टर्म्स में बार बार बोल रहा हूं, इसे मैं अभी आगे क्लियर करूंगा पूरी तरीके से, तो जो कंसंट्रेशन है आपकी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूट है वो काफी माइन्यूट हो, अगर वो माइन्यूट है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो आप कैसा बोला जाएगा, डाइल्यूट बोला जाएगा, और अगर हमारे पास में क्या हो कि सॉल्यूट हो, ऊपर की चीज अपने आप लिख लेना कि व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये साइन होता है एप्रोक्स इक्वल टू किसके, सॉल्वेंट के, ठीक, कंपेरेबल हो, यानी कि इसे क्या कह सकते हो, कब पूरी तरीके से बराबर तो नहीं है बट इट इज कंपेरेबल, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसके एग्जांपल हो सकते हैं जितने डाइल्यूट एसिड मिलते हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3, और बेसिकली जब आप लैब में जाते हो तो आपको कितने परसेंट के मिलते हैं, ये 10% के मिलते हैं, ठीक है, 10% का आपको HCl मिलेगा रखा हुआ, 10% का आपको H2SO4 मिलेगा रखा हुआ,
तो व्हाट इज मीन बाय 10%? 10% का मतलब है कि अगर आप 100 ml पूरा एसिड निकालते हो तो उसमें जो 10 ml होगा वो आपका प्योर एसिड होगा, प्योर 100% एसिड, और जो बाकी का 90 ml होगा वो क्या होगा? आपका वाटर होगा। और ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा? मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस 100 ml। क्लियर? यहां पे बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है, पूरा ऐड ही नहीं करते कभी, और बिना ऐड किए न्यूमेरिकल्स लगाते और हमेशा न्यूमेरिकल गलत होते हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल पोर्शन इंटरमीडिएट में बहुत कम है, बहुत कम का मतलब सॉलिड स्टेट से लेकर के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक, ठीक है, यानी कि सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर आपका, दूसरा आपका सॉल्यूशन, तीसरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगला केमिकल काइनेटिक्स, फिफ्थ आपका सरफेस केमिस्ट्री, बस यहीं पर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पूरे आगे आप लास्ट पढ़ते चले जाओगे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे अच्छे अच्छे, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपको थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट से हमेशा ऊपर आना है तो आपके बीच जो अंतर होता है ना वो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स का और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का होता है। रट्टा सब लोग मार लेते हैं, जो साल भर नहीं पढ़ेगा वो भी लास्ट के 2 महीने में रट्टा मार लेगा, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल और ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को केवल वही सॉल्व कर सकता है जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हो, ठीक है। तो इन 5 चैप्टर्स को मैं जून से पहले 15 जून तक मैं 5 आपके खत्म करूंगा, ठीक है, उसके बाद में मैं कुछ अपने अलग वीडियो बीएससी के डालूंगा, उसके बाद में जुलाई से आपकी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में स्टार्ट करूंगा। तो इनके न्यूमेरिकल्स पे आपको पूरी महारत हासिल करनी है, पूरी महारत, ठीक है, और हासिल करेंगे साथ साथ, लगाएंगे अभी कुछ दिनों में। तो भाई हाँ, अब आते हैं किस पर? कंसंट्रेटेड पे। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेटेड का मतलब है आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 90% ऑफ HCl या 90% ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहां पर मतलब क्या हो गया, आप लोग समझ गए होंगे यहां पर मतलब क्या हो गया। अगर 100 ml हमने उठाया तो 90 ml उसके अंदर एसिड है और बाकी का 10 ml क्या है? वाटर है। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से? तो अगर कंसंट्रेटेड हाथ पे गिरता है तो आपको नुकसान होगा, डाइल्यूट गिरता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। समझ गए बात को पूरी तरीके से? अब बढ़ते हैं आगे, ये तो बच्चों वाली बात है, ठीक है, कि डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होता है, फिर भी बता दिया क्योंकि बुक, जब भी आप कोई भी बुक उठा लो उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपको कंसंट्रेशन के टर्म पे ही मिलेगा। और बेसिकली पढ़ना इसको जरूरी भी है, और जरूरी क्यों है क्योंकि अगली जो हेडिंग है, यहां से स्पीड कम कर रहा हूं अपनी और शुरू करते हैं हम लोग किसको, शुरू करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होती है? बेसिकली कंसंट्रेशन को अगर आप डिफाइन करो तो कंसंट्रेशन होती है ग्राम पर लीटर, बस इतनी सी डिफिनीशन है कंसंट्रेशन की, ग्राम पर लीटर। और केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बात, डिफिनीशन अगर आपको निकालनी है फॉर्मूला पढ़िए, फॉर्मूला पढ़ने के बाद आप डिफिनीशन पे जाइए, आपको सारी डिफिनीशन याद हो जाएंगी। ओवरऑल अगर आप बुक से या नोट से डिफिनीशन याद करने बैठोगे तो लाइफ टाइम, आज याद कल भूले, परसों याद फिर अगले दिन भूले, बस यही होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? ग्राम पर लीटर। अब इसको भी पढ़ो, क्या लिखा मैंने? ग्राम पर लीटर लास्ट में पढ़ो, ग्राम छोड़ दो, क्या मैंने लिखा? पर लीटर का मतलब पर मींस वन, तो कितने में? मतलब 1 लीटर में, यानी कि कितना क्वांटिटी ऑफ, ये कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और किसमें? इन ग्राम, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, पहली बात तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज योर कंसंट्रेशन, ठीक है। यही होती है आपकी क्या? कंसंट्रेशन। और इसकी जो यूनिट होती है वही वो होती है क्या? ग्राम पर लीटर। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने क्या लिया कि 50 ग्राम NaCl लिया, 50 ग्राम NaCl लिया और उसे 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिला दिया। अब देखो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहां पर मैं वॉल्यूम नहीं कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर मैंने कहा 100 ग्राम ऑफ वाटर, और जब 100 ग्राम ले लोगे तो फ्रैक्शन निकल आएगी। तो यहां पर क्या करो, जब भी आपको यूनिट कन्वर्जन, इतनी जरूरी चीज है, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल पे नहीं जा सकते। हम लोगों ने 50 ग्राम वाटर लिया और क्या ले लेते हैं? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या कर लिया इसे 10 लीटर ऑफ H2O में मान लेते हैं मिला लिया, 10 लीटर H2O उठाया, 50 ग्राम NaCl उठाया और उसमें डाल दिया। हमने कहा कंसंट्रेशन बताओ, तो ब्रह्मास्त्र लगाओ, और ब्रह्मास्त्र का मतलब मेरे ब्रह्मास्त्र बोलते ही आपको याद आना चाहिए यूनिट पर लगाओ। अगर हम लोगों ने मिलाया 10 लीटर में, ठीक, सीखो मेरे साथ डिफिनीशन कैसे निकाली जाती है, 10 लीटर में मिलाया है कितना? 50 ग्राम, तो 1 लीटर में कितना मिलाओगे? 50/10, यही तो मिलाओगे भाई। 10 लीटर में आपने कितना मिला है? 50 ग्राम। मैंने कहा सोल्यूशन होते हैं अंदर जाने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, होमोजीनियस हो गए पूरी तरीके से, यानी कि अगर 1 लीटर निकाले तो कितना होगा? तुरंत कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? 5 ग्राम। अब दिमाग लगाओ, अगर 1 लीटर में 5 ग्राम मिला रहे हो
तो 10 लीटर में 50 ग्राम मिला दोगे, सीधी सीधी तो बात है, लेकिन 10 लीटर पे नहीं डिफाइन करना है, डिफाइन किस पे करना है, यूनिट पे, और यूनिट का मतलब 1 लीटर पे डिफाइन करना है, तो कहेंगे कंसंट्रेशन है 5 ग्राम पर लीटर। ठीक, कठिन है क्या? कठिन तो नहीं लग रहा। अब चलते नंबर पे, हो गया वेरिएबल पे समझते हैं। वेरिएबल पे क्या समझते हैं कि हम लोगों ने लिया एम ग्राम, ठीक, और उससे मिलाया कितने में, वी लीटर में। एम ग्राम ऑफ सॉल्यूट को किसमें मिलाया, वी लीटर में, तो 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को किसमें मिलाओगे, मिलाओगे एम अपॉन, सॉरी वी अपॉन, एम ग्राम मिलाया किसमें, 50 ग्राम, कितना, एक वन मिनट, वी लीटर में कितना मिलाया आपने, एम ग्राम मिलाया, उल्टा लिखो, मास ऊपर रखना है, ग्राम पर लीटर है तो मास ऊपर रखो, तो एक लीटर में आप कितना मिलाओगे, एक लीटर में मिलाओगे आप एम अपॉन वी, और एक लीटर में जितना मिला दिया वही आपकी कंसेंट्रेशन है सी, तो सी हो गया आपका फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कोई समस्या, कोई दिक्कत है कहीं पे? बस इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। डिफिनेशन क्या है कंसंट्रेशन की, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर का मतलब एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन उठाया, उसमें अमाउंट कैलकुलेट किया किसका, सॉल्यूट का, जितने ग्राम सॉल्यूट एक लीटर में घुला हुआ है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। फॉर्मूला निकालने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है। मान लेते हैं कि वी लीटर हमने लोगों ने क्या लिया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिया, जिसमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितनी थी, एम ग्राम थी, तो अगर हम लोग एक लीटर ऑफ सॉल्यूशन उसी का निकालें तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मिलेगी एम अपॉन वी ग्राम, एम अपॉन वी ग्राम पर लीटर, और एम अपॉन का मतलब 1 लीटर में मिलाया है, उसे हम डिफाइन कर देंगे कंसंट्रेशन से, तो कंसंट्रेशन का फार्मूला आ गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कोई समस्या नहीं है। अब बस इसी कंसंट्रेशन को हम लोगों को बहुत तरीकों से पढ़ना होता है, कई तरीकों से पढ़ना होता है, तो आज हम लोग उन्हीं को पहले डिस्कस कर लेते हैं और उनके बारे में एक ब्रीफ वीडियो सेकंड आएगा। ठीक है, पूरी तरीके से जो ब्रीफ वीडियो आएगा, यहां पर केवल इंट्रोडक्शन होगा उनका ब्रीफ वीडियो सेकंड आएगा, और वहां से हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन भी साथ-साथ चालू करेंगे। ठीक है, तो कंसंट अगली जो अभी ये कंसंट्रेशन हो गई आपकी, अब कंसंट्रेशन के बाद जो अगली हेडिंग आप अपनी कॉपी पर डालेंगे वो डालेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है ये बात। ठीक है, जब भी कोई बात आती है कि मोलैलिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, फॉर्मेलिटी निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है, और उसके बाद में मास बाय मास निकालो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालो, और आपका क्या पीपीबी क्या होता है और पीपीएम क्या होता है, जब भी ये बातें आती हैं तो सबसे पहली बात नहीं पता होती कि ये होते क्या है, तो ये सारी हैं कंसंट्रेशन, सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, बस अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई है। ठीक है, अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहली हमें पढ़नी है क्या, मोलैरिटी, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल एम से। दूसरा पढ़ना है हमें नॉर्मेलिटी, रिप्रेजेंट करते हैं इसे कैपिटल एम से। अगला पढ़ना है मोलैलिटी, रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से। अगला पढ़ना है हम लोगों को मोल फ्रैक्शन, चलो मोल फ्रैक्शन को अलग से पढ़ेंगे, हाँ इसी में पढ़ लो, इसमें ज्यादा आराम रहेगी आपको, नंबर ऑफ मोल से है रिलेशन, तो मोल फ्रैक्शन एक नया सिंबल आता है, दैट इज काई, क्लियर। उसके बाद में आपको पढ़ा दूं मैं, हाँ ठीक है, ये चार हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इन सबको एक साथ पढ़ेंगे। और जो दूसरी बची आपकी कंसंट्रेशन टर्म वो क्या होती है, वो होती है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, अगला आपका मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद में आपकी क्या आएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हो गया खैर ग्राम पर लीटर, तो ये तो जनरल हो गई, हाँ मास अपॉन वॉल्यूम लिख लो, मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को पीपीएम, उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को पीपीबी। इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं और इन पर हमें न्यूमेरिकल को बीट करना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे डील करेंगे। अब यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो समस्या होगी द नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और इस वीडियो को मेरे वो बच्चे जरूर देख रहे होंगे जो कि मुझसे फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं पूरे साल, क्योंकि सबसे पहले तो वही कनेक्ट हुए हैं यहाँ पर, बाकी जो नए बच्चे हैं उनके जो मुझसे इससे पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए नंबर ऑफ मोल एक समस्या हो सकती है, लेकिन जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं शायद उनके लिए नंबर ऑफ मोल कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वो बड़ी प्रॉब्लम है तो आप इस यूट्यूब चैनल की सेकेंड जो वीडियो पड़ी हुई है, पहले के बाद जो दूसरा वीडियो आया है वो मैंने मोल पर ही बनाया है, ठीक है, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो अगर आप देख कर के आते हो तो आपको मोल में कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैं नए बच्चों के लिए यहां पर एक बार पढ़ाऊंगा कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास में आ गया कि इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों को क्या कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, अब कुछ तो नया मिल जाए हमें। ठीक है, तो इन चीजों को बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी आसान है, इन्हें बाद में पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ते हैं सबसे पहले क्या होती है। ठीक है, इसको हटा देते हैं और
एक मिनट के लिए क्या करते हैं, वीडियो मर्ज कर ले, नहीं तो 30 मिनट के बाद में ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंटरप्ट होती है। हाँ भाई, अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। और नया टॉपिक क्या है, पुराना है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं, पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे अब इसको। केवल इसको पढ़ के हम लोग वीडियो को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और जो अगला वीडियो आएगा आप कंटिन्यू आएंगे, पर डे वीडियो आएगा, और वीडियो आने की टाइमिंग वही रहा करेगी सुबह 10 बजे, ठीक है। 10 AM पे आपका वीडियो अपलोड हो जाया करेगा, सब लोग घर पे रहते हो, 9 बजे तक सो जाओ और उसके बाद में 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है, तो डिस्कस करेंगे डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूला देखते हैं, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल एम से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब जिन बच्चों को नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि मोल जो है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है केमिस्ट्री की। अगर इससे डील करना नहीं आता है तो केमिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सब कुछ तो मोल पे डिफाइन किया होता है। तो जो मोल होती है बेसिकली ये SI यूनिट है, कुछ खास नहीं है, ये SI यूनिट है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब कहते हैं मास की नहीं है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। तो इसकी अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट आ जाती है मोल पर लीटर, या स्टैंडर्ड वे में जब लिखते हैं तो लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स, ठीक। इतनी बात तो क्लियर हुई, अब डिफिनीशन पे आते हैं, उसके किताबी बातें हो जाने तो उसके बाद मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यूनिट हो गई मोल पर लीटर। अब मैंने क्या कहा, डिफिनीशन याद करने से पहले फॉर्मूला देखो, ये है फॉर्मूला। अब देखो भाई क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी, डिफिनीशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। तो डिफिनीशन होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 लीटर कहां से आ गया, देखो भाई डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो वॉल्यूम इन लीटर, नीचे जो चीज है उसी के तो यूनिट में डिफाइन करना है आपको। तो वॉल्यूम इन लीटर का मतलब क्या हो गया कि मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज योर मोलैरिटी। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से, तो अभी तो किताबी बातें क्लियर हो रही हैं। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से गया, मान लेते हैं कि हमने लिया 10 मोल, ठीक है, और 10 मोल को हमने मिला दिया कितने लीटर में, 100 लीटर में मिला दिया, ठीक है। 10 मोल उठाए 100 लीटर में मिला दिए, मैंने कहा कि 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्लास 7th में याद करोगे और कहोगे यूनिटरी मेथड पढ़ाया गया था, और यूनिटरी मेथड क्या कहता था कि अगर 100 लीटर में कितने मोल है, 10 मोल है, तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे, 10/100 मोल होंगे, कैंसिल आउट हो गया, सोल्यूशन है 1/10 m का या m/10 का, ठीक है। सोल्यूशन किसका है, m/10 का सोल्यूशन आपके पास में रखा हुआ है, नंबर पे समझ गए। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल का मतलब हो गया, मान लेते हैं हमने वॉल्यूम लिया v लीटर, मोल लिए स्मॉल n, सबको पता है कि जो मोल होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, लिख भी देता हूं नंबर ऑफ मोल। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से। अब मैं कहूं कि बताओ भाई मोलैरिटी क्या होगी, तो मोलैरिटी के लिए आप कहोगे कि v लीटर में, ठीक, v लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, n। तो अगर मैं कहूं 1 लीटर में कितने होंगे, तो 1 लीटर में होंगे n/v, तो 1 लीटर में जितने होंगे वही मोलैरिटी सिखाई मैंने। डिफिनीशन देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर में जितने प्रेजेंट है दैट इज योर मोलैरिटी। तो ये क्या हो गई आपकी कैपिटल एम, और कैपिटल एम का फॉर्मूला आ गया n/v इन लीटर। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान वे में मोलैरिटी समझ सकते हो, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है मोलैरिटी को समझने का, और ये सबसे आसान तरीका है डिफिनीशंस को समझने का। मुझसे साल भर पढ़ोगे मैं सारी डिफिनीशन इसी रास्ते से आपको निकलवा दूंगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगर नोट कर रहे हो साथ में तो कॉपी लेकर बैठो, हाथ से नोट करना स्टार्ट करो, सारी चीजें नोट कर लोगे तो आपको कहीं पर कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई किताब की, मोलैरिटी का फॉर्मूला ये, मोलैरिटी की डिफिनीशन ये, मोलैरिटी की यूनिट ये। अब बात आती है कि ये नंबर ऑफ मोल है कौन सी चीज, नंबर ऑफ मोल है क्या। तो नंबर ऑफ मोल इतना आसान तो एग्जामिनर होगा नहीं कि कहते कि आपसे कि हाँ भाई 10 मोल उठाए गए, कितने में मिलाए गए, 100 लीटर में मिलाए गए, और आपने तुरंत बता दिया कि सोल्यूशन कितने का है, सोल्यूशन है m/10 का। इतना आसान देगा क्या, इतना आसान तो नहीं देगा। तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, कन्वर्जन किसका पता होना चाहिए, ग्राम का मोल में, बस। अब ग्राम का ही क्यों मोल में पता होना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है,
क्योंकि पहली बात तो केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, कुछ भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया जाता, या मिलीग्राम में या ग्राम में, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आपको एक्सटेंड कर दिया तो केजी पर दिया, फिर भी आप ग्राम में चेंज करके ही उसे क्या करोगे, डील करोगे जाकर। और दूसरी बात आती है कि अगर आपने एएमयू पढ़ रखी है, एटॉमिक मास यूनिट, तो आपको पता है एएमयू को अगर हम लोग एनए से मल्टीप्लाई कर दें, एनए इज योर अवोगाड्रो नंबर, दिस इज योर 6.022 × 10⁻², तो आपकी एएमयू किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्राम में। और ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों आप क्या करते हो, चीजों को ग्राम में कंसीडर करते हो, क्योंकि ग्राम में कंसीडर करने पर उनका मोल में कन्वर्जन सबसे ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर वन मोल, 6.022 × 10⁻², इज योर वन मोल। और अगर आपको पता करना है कि ये 6.022 नंबर कहां से आया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, आप उस वीडियो को जरूर देखो, वहां पर मैंने फैराडे एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से डिस्कस किया है कि इस नंबर की अराइजिंग कैसे हुई थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो सिंपलेस्ट ट्रिक आप क्या कर सकते हो नंबर ऑफ मोल की, तो नंबर ऑफ मोल निकालने की सिंपलेस्ट ट्रिक क्या है आपके पास में, सिंपलेस्ट ट्रिक है गिवन मास अपॉन मोलर मास, बस इतनी सी ट्रिक, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास का मतलब ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग कहते हैं GAM, और दूसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको कहते हैं GMM। ये जो GAM है ये एटम के लिए है, और जो GMM है पूरा वो मॉलिक्यूल के लिए है। तो गिवन मास तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिया होगा कि कितना मिलाया, और मोलर मास निकालना आपको आना चाहिए, और मोलर मास निकालना आना चाहिए मतलब जैसे हम लोगों ने कहा HCl लिया गया, तो HCl में हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ओवरऑल कितना आ गया 36.5, तो ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो आज का पहला होमवर्क आपका, होमवर्क क्या है कि 1 to 30 एटॉमिक नंबर जो हैं उनके साथ साथ उनके मास भी याद करो, नहीं 30 तक कर सकते 20 तक करो, कैल्शियम तक करो, डबल ही करने हैं, डबल करके एक जोड़ना है, डबल करने हैं, इवन के लिए डबल करने हैं, और ऑड के लिए डबल करके एक ऐड करते जाना, ठीक है। तो ज्यादा कठिन नहीं है, 1 से लेकर 20 तक क्या करने हैं आपको, मासेस याद करने हैं, जिससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं पर बीट ना हो सके, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात किसकी, टोटल मोलैरिटी की, क्या खत्म हो गई मोलैरिटी, अभी कहां खत्म हो गई, अभी तो शुरू हुई। अब आगे बढ़ते हैं मोलैरिटी को और डिस्कस करते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया पूरी तरीके से, बड़ा होगा चैप्टर, मैंने पहले ही कह दिया है, लेक्चर भी बड़े बड़े आएंगे 1-1 घंटे के, और टॉपिक भी बड़े बड़े होंगे, तो मन लगा के पढ़ो, बोर नहीं होने दूंगा कहीं पर, इस बात की भी गारंटी है। तो मोलैरिटी हम लोगों ने पढ़ी एन अपॉन वी इन लीटर, और n क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये क्या है आपका नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल है तो यार कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, 2 मोल 3 मोल 5 मोल 10 मोल कुछ भी होगा, होगा तो नंबर ही ना, तो नंबर है तो कांस्टेंट। अब अगर हम लोग कहें कि इस इक्वल को हटाए और इस नंबर ऑफ मोल को गायब कर दें, तो कौन सा साइन आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या हो गया 1/v, यानी कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, बात क्लियर हो गई पूरी तरीके से, यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलैरिटी कम होगी, वॉल्यूम घटाओगे मोलैरिटी क्या होगी बढ़ेगी, उल्टा चलेगा। और कब होगी, जब हम लोग क्या कर दे नंबर ऑफ मोल को क्या कंसीडर कर ले बच्चों, कांस्टेंट कंसीडर कर ले, यानी कि नंबर ऑफ मोल ड्यूरिंग द वॉल्यूम चेंज कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तभी ये रिलेशन पूरी तरीके से सही बैठेगा। अच्छा, आप लोगों को सिखा जरूर दिया गया होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कुछ लिखा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और ए के बाद में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटाया तो कहते कुछ कांस्टेंट लगा दो, ठीक है। ये कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन आप लोगों को कमेंट करना है, और अगर आप लोगों को नहीं, जो पुराने बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो 100% कमेंट करें, और अगर नहीं कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। और अगर जो नए बच्चे हैं उनके लिए केवल बता दूंगा कि ये जो कांस्टेंट आता है ये क्यों आता है और कितना आता है, बेसिकली क्या रीजन क्या है इसका, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसको बताऊंगा तो भी 6-7 मिनट तो इसमें लगेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास में, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, चलो भाई एज्यूम करो साथ में, एज्यूम क्या करना है कि 2 लीटर सोल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है, क्या है 2 लीटर सोल्यूशन है, और 2 लीटर सोल्यूशन में हमारे पास में 10 मोल मिले हुए, ठीक। और हमने क्या कहा नंबर ऑफ मोल को कर दो कॉन्स्टेंट, यानी कि ये 10 ही रहेंगे, ठीक है, ये 10 ही रहेंगे, इनको आप कन्वर्ट नहीं करना, वॉल्यूम को घटाएंगे वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। एक बार क्या करते हैं 2 लीटर से कर देते हैं इसे 3 लीटर, एक बार क्या कर देते हैं 2 लीटर से कर देते हैं 1 लीटर, कर कैसे दिया, मान लेते हैं पानी में सोल्यूशन था H2O में, ठीक है, गर्म कर दिया, पानी पानी उड़ा दिया, 1 लीटर पहले उड़ा दिया तो कितना बच गया भाई 1 लीटर बचा, अगली बार में क्या किया 1 लीटर प्योर वाटर लाया और मिला दिया तो कितना हो गया भाई 3 लीटर हो गया। मैंने सिखाया है कि सोल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। अब बताओ पहले ये 10 मोल 2 लीटर में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है, 2 लीटर में 10 मोल, ध्यान से सुनो, 2 लीटर में 10 मोल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जब हम लोगों ने क्या किया 1 लीटर पानी और मिला दिया तो 10 ही मोल को कितने लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ा,
तीन लीटर के पास डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ा, तो मोलैरिटी घटी या बढ़ी? अब आप उसका कोई एक पार्ट उठाओगे तो वहां पर नंबर ऑफ मोल आपको कम मिलेंगे, क्योंकि पहले आपके दो लीटर में दस मोल थे और अब आपके तीन लीटर में दस ही मोल है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलैरिटी घटेगी। और दूसरी बात, अगर आपने पानी उड़ा दिया, ठीक है, तो जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी कम होती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, एक लीटर में नंबर ऑफ मोल का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। और जब आपने दो लीटर को कम करके कितना कर दिया, एक लीटर कर दिया, तो खुद दिमाग लगाओ, पहले दो लीटर में दस मोल प्रेजेंट थे और अब एक ही लीटर में दस मोल प्रेजेंट है, और अगर एक ही लीटर में दस मोल प्रेजेंट है तो मोलैरिटी बढ़ी या घटी, नंबर ऑफ मोल पर लीटर कम आए या ज्यादा हो गए, बढ़ गए। निकाल दो यार, फॉर्मूले से निकाल दो, क्या हम लोगों का फॉर्मूला है, मोल पर क्या होता है, मोल नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर। तो पहले क्या थी, 10 अपॉन 2, और अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई 10 अपॉन 1, पहले थे कितने 5 मोल पर लीटर और अब कितने हैं 10 मोल पर लीटर। तो जैसे जैसे वॉल्यूम को कम करोगे वैसे वैसे मोलैरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे मोलैरिटी को जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ाओगे मोलैरिटी आपकी घटेगी। अब आते हैं अगली बात पर, और अगली बात क्या है हमारी, अगली है ये कि अब दो कंडीशन ले लें, दो कंडीशन। अब अभी तो मैंने कंसीडर कर लिया कि क्या था हमारे पास में, कि दो लीटर था सोल्यूशन और दस मोल थे किसके, वाटर के, हमारे पास में इतनी चीजें थी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें पता नहीं है कि क्या मोलैरिटी और क्या वॉल्यूम है, बस ये पता है कि वॉल्यूम चेंज किया गया तो मोलैरिटी भी चेंज हो गई। तो हम लोग इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं पहले वॉल्यूम था V1, ठीक है, पहले वॉल्यूम था V1, तब इसकी मोलैरिटी थी M1, फिर वॉल्यूम हमने बढ़ाया या घटाया कुछ भी किया, चेंज किया, V1 से हटा के V2 कर दिया और मोलैरिटी क्या हो गई हमारी, M2 हो गई। तो अगर इस वाली बेसिस पे जाओ, इस वाले फॉर्मूले पर जाओ, तो आप कह सकते हो कि M1 इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V1, या फिर अगर हम इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटाएं तो हम लोग क्या लगा लें, यहां पर लगा लें कांस्टेंट, और बेसिकली ये कांस्टेंट क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा नंबर ऑफ मोल, ठीक है, तो इसको तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां से क्या आ गया, M1V1 = K, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। उसके बाद दूसरे वाले पर चलते हैं, फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करो, तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो हम कहेंगे M2 = K, कोई एक कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटा दिया, और उसके बाद में क्या लगाया हम लोगों ने 1/V2, तो यहां से क्या आ गया आपका M2V2 = K, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो, कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो RHS तो सेम है, तो अगर RHS को कंपेयर कर ले तो एक फॉर्मूला निकला, दैट इज M1V1 = M2V2, थोड़ा सा और रीअरेंज करो तो आएगा M1/M2 = V2/V1, क्लियर हो गई बात। ये फॉर्मूला है जहां से अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम पता हो, इनिशियल मोलैरिटी पता हो, फाइनल वॉल्यूम पता हो, फाइनल मोलैरिटी निकाल सकते हो, कोई भी तीन चीजें पता हो चौथी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहां पर खत्म होता है किसका कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, और बड़ा हो रहा है वीडियो, मुझे भी पता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग थोड़े से आसान टर्म्स को कैलकुलेट कर लेंगे, और आसान टर्म्स कौन से, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, दो दो तीन तीन मिनट के हैं, फटाफट कर जाएंगे, और उसके बाद में हम लोग किसको शुरू करेंगे, नॉर्मेलिटी को शुरू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, लगे रहो, अगर वीडियो सही लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।